हेलो बच्चों एंड वेलकम टू स्टडी विद यूनिक। मैं सुबह सर स्वागत करता हूँ आपका आपकी के पहले चैनल स्टडी विद यूनिक पर। और आज हम रामबान बैच में मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन के MSTCET के 2021 और हो सके तो इसी लेक्चर में 22 के क्वेश्चन लेंगे, ठीक है। और 23 हेलो बच्चों एंड वेलकम टू स्टडी विद यूनिक। मैं सुबह सर स्वागत करता हूँ आपका हमारी स्पेशली डेडिकेटेड सीईटी के लिए रामबान बैच में। अभी आपके सीईटी के पेपर को आसपास 7 से 8 दिन है और अभी हमारा मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन जो कि एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है, एक क्वेश्चन इसमें से आने वाला है, सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है, ठीक है। इसका एक बेसिक लेक्चर मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया 15-20 मिनट का, उसमें सिर्फ मैंने फॉर्मूलाज बताया है, ठीक है। अब इस लेक्चर में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि किस तरीके से सीईटी में इसके क्वेश्चन आए हैं PYQs और उनको सॉल्व करके देखेंगे, ठीक है। इस लेक्चर में मैं 2021 के लूंगा, हो सके तो 2022 भी कवर कर लेंगे, लेकिन अगला लेक्चर जो आएगा उसमें 23 और 22 मिक्स भी आ सकता है, ठीक है। वो डिपेंड करेगा कि किस तरीके से, मैं कोशिश करूंगा कि ये लेक्चर को मैं 30 से 35 मिनट का रखूं क्योंकि इसमें फॉर्मूला बेस्ड के क्वेश्चन होते हैं ज्यादातर, कोई बहुत ही डिफिकल्टी लेवल हाई नहीं होता है, ठीक है। लेकिन ये चैप्टर छोड़ना नहीं क्योंकि इससे एक क्वेश्चन बनेगा, 2 मार्क्स आराम से पॉकेट में आ जाएंगे, ठीक है। चलिए तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, फ्रॉम फॉर द सेट ऑफ 50 ऑब्जर्वेशन द सम ऑफ द स्क्वायर्स इज 350, कितना है 3050, मतलब 3050, ओके ठीक है सर। मतलब सम ऑफ द स्क्वायर है ना 50 ऑब्जर्वेशन के, सम यानी समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी की बात चल रही है, ठीक है। तो 3050 है, ठीक है, ये समीशन का साइन, ओके। और एन कितने आपके, एन है 50, क्योंकि 50 ऑब्जर्वेशन है तो एन 50, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज है, इन्हें जरा मार्क कर लीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद क्या बोला है, देयर अरिथमेटिक मीन इज 6, मतलब उनका जो मीन है एक्स बार, इसे मीन बोलते हैं, ठीक है, वो 6 है, क्लियर, ठीक है। फॉर्मूला में ऑलरेडी बेसिक्स में डिस्कस कर चुका हूँ, क्लियर। तो यहाँ सबसे पहले हमें स्टैंडर्ड डेविएशन पूछी हुई है, ठीक है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन होती है एस डी इज इक्वल टू अंडर रूट वेरियंस, ठीक है, वेरियंस ऑफ एक्स या वेरियंस लिख दीजिए, ठीक है, बार, ठीक है, ठीक है सर। अब वेरियंस कैसे निकालते हैं भाई, वेरियंस निकालने के लिए होता है 1/n, देखो 1/n समीशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर माइनस एक्स बार का स्क्वायर, ठीक है। चलिए अब आगे देखिए, यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, 1/n की जगह 50, ठीक है, इंटू 3050, ठीक है, और माइनस ये 6 का स्क्वायर, ठीक है सर, बिल्कुल। तो ये 0 0 कैंसिल, ये यहाँ पे घटा तो 6 5 6 30 6 1 6, ठीक है, तो 61 माइनस 36, तो ये आ गया 25 जब माइनस करोगे, ठीक है, करके देख लो 25 आता है, ठीक है। तो ये वेरियंस तो आपका आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे आप रूट में जब 25 डालोगे तो आपको मिलेगा बाहर आउटपुट 5 का, तो स्टैंडर्ड डेविएशन तो आपकी हो रही है भाई 5, ठीक है, तो 5 आपका आंसर आ गया, बिल्कुल है जो ऑप्शन में, ऑप्शन ए। देखिए कितने आसानी से ऑप्शन टिक हो जाते हैं इसके। ये क्वेश्चन अगर आप पेपर में करो तो 30 सेकंड के अंदर हो सकता है, ऐसे क्वेश्चन निपटा के आगे के क्वेश्चन के लिए समय मिलता है, और एक तो क्वेश्चन आना ही आना है, याद रखना, तो इसलिए 2 मार्क्स तो लेना ही है इसे, ठीक है। चलिए नोट कीजिए, 1, 2 एंड 3 नोट कर लिया बच्चों, ठीक है। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, ये तो भाई कोएफिशिएंट वाला क्वेश्चन है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, ठीक है, कैसे समझा, क्योंकि मोर यूनिफॉर्मिटी पूछा है, ठीक है, तो यूनिफॉर्मिटी है, कोई वेरिएशन ढूंढना पड़ेगा। दे अरिथमेटिक मीन ऑफ मार्क्स इन मैथ्स फॉर 4 डिविजन ए बी सी डी वर 80, 75, 70 एंड 72, दे आर स्टैंडर्ड डिविजन वेर 12, 6, 8 एंड 10 रिस्पेक्टिवली, देन डिविजन ब्लैंक हैज मोर यूनिफॉर्मिटी, ठीक है। तो हर एक के लिए हमें कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन या वेरिएबिलिटी जो भी आप बोलो वो निकालना पड़ेगा, ठीक है। उसका फॉर्मूला होता है एस डी यानी स्टैंडर्ड डिविएशन अपॉन मीन इनटू 100, ठीक है। चलिए तो ये फॉर्मूला के हर एक के लिए अलग अलग लगाओगे, बिल्कुल नहीं, चार्ट बना लो या सिंपल सा एक, ठीक है, उसमें पहले तो चार ऐसे ब्लॉक्स बना लेते हैं, कॉलम ए बी सी डी, ठीक है, फिर यहां से देखो और यहां से देखो और ये सी डी, ठीक है। अब देखो यहाँ सबसे पहले हम लिख देंगे एस डी, फिर उसके बाद लिखते हैं मीन, फिर उसके बाद निकाल दे सी वी, ठीक है। तो ध्यान से देखोगे तो एस डी क्या है आपका 12, 8, 12, 6, 8, 10 रिस्पेक्ट टू जो होने के कारण मैं डायरेक्ट ले सकता, ठीक है, 80, 75, 70, 72 मीन 80,
75, 70 और 72। ठीक है, चलिए तो यहाँ बड़े आराम से आप सॉल्व करके क्या लिख सकते हो, ध्यान देना एच डी कितना आपका, एच डी है 12 into 100 to 1200 upon 80। ठीक है, तो इसे जब सॉल्व करोगे तो मैं काम कर दो, देखो एक मिनट, इसे नीचे थोड़ा सा एक और कॉलम बना देता हूँ, ठीक है, नीचे इस तरीके से, ठीक है, देखो इसे अगर डिवाइड करोगे तो कैंसिल होके कितना आ जाएगा, 0 0 कैंसिल, 8 1 8 8 5 40 15 आ गया सीवी। ठीक है, ये आपका सीवी है। ठीक है, अब ये 75 6 और ये 600 upon 75, क्योंकि देखो एच डी इंटू 100 तो 600 upon 75, तो कितना आ गया भाई 15 से काटोगे तो ये तो 5 पे कटेगा मेरे हिसाब से, और ये कटेगा 4 पे 40 8, यही है क्या आंसर, छोटा आ रहा है ये, ठीक मेरे हिसाब से बी है, क्योंकि इसका तो बड़ा ही आएगा, देखो 800 यहाँ 8 है ना, 800 upon 70, अच्छा खासा नंबर आएगा, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, फिर 70 तो 7 11 77 होता है क्योंकि 80 बचेगा, फिर 30 तो 0.4, ठीक है क्योंकि पॉइंट लेके मैं 0 लूँगा, 30 तो 2 बचेगा तो 2 ऐसा कुछ आएगा, और ये देखो ये तो चेक भी नहीं करना है क्योंकि ये भी बड़ा आएगा, क्योंकि ये देखो ये 100 है ना, 100,000 है ये, ठीक है क्योंकि 100 से मल्टीप्लाई और 72 तो बड़ा ही आएगा, देखो अब 1 ठीक है 72 है ना बिल्कुल, तो 72 1 20 280 तो 4 पे आएगा मेरे हिसाब से, 4 नहीं 3 पे आएगा क्योंकि 72 है ना, 7 पे होता तो 7 4 20, ठीक है लेकिन 72 है तो 3 पे आएगा, फिर उधर कुछ और आएंगे नंबर तो वो छोड़ो उसका लेना देना नहीं है, ठीक है तो 8 तो बी वाला सही ऑप्शन, तो यहाँ बी और ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है बी हैज लेस सीवी, बी हैज लेस सीवी, देयरफॉर हेंस हेंस इट हैज मोर यूनिफॉर्मिटी, मोर यूनिफॉर्मिटी, मोर यूनिफॉर्मिटी, ठीक है चलिए तो ये जरा पढ़ना, ठीक है चलिए नोट कीजिए 1 2 and 3 हो गया बच्चा, ठीक है लेट्स गो टू द अदर क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की ओर चलते, क्वेश्चन नंबर 3 ठीक है, कैसे लगा ये आपको ध्यान से देखना चाहिए, ऐसे फॉर्मूला देखो ये सेम टू सेम क्वेश्चन है, तो ये आप कर पाओगे कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालना है सीवी, तो सीवी क्या हो जाएगा, सीवी इज इक्वल टू एसडी अपॉन क्या हो जाएगा, एसडी अपॉन मीन इनटू 100, ठीक है तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, एसडी क्या है, एसडी आपका 12 है, ठीक है मीन आपका कितना है 72 है और ये 100 तो यहाँ 1272 पॉइंट में कुछ नंबर आएगा मेरे हिसाब से, कैलकुलेट कर लो आप, ठीक है कर लोगे ना, चलिए तो ये आगे तो कैलकुलेशन डीपी है आपके लिए, DIY डू इट बाय योरसेल्फ, ठीक है अब ये कर लो ना इतना, ठीक है चलो मैं आगे, ठीक है एग्जाम में आपको करना, ठीक है तो चलिए सॉल्व करते हैं इसे, गिवन दैट ऑफ 16 वैल्यूज इज 528, ठीक है गिवन दैट टोटल ऑफ 16 वैल्यू, ठीक है टोटल यानी ये समीकरण ऑफ एक्स है, ठीक है तो एन आपका 16 है यहाँ से मुझे मिल गया, ठीक है और समीशन ऑफ एक्स है तो आपको मिल गया 528, ठीक है एंड सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डेविएशन, ठीक है तो सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डेविएशन है ये आपका हो गया समीशन ऑफ एक्स है स्क्वायर माइनस एक्स बार तो एक बार हम चेक कर लेते तो क्या 33 आ रहा है, एक बार जरा चेक कर दीजिए 16 से डिवाइड करके, ठीक है तो एक्स बार तो ये समीशन ऑफ एक्स आई अपॉन ये हो गया आपका 16, ठीक है चलिए एक बार जरा एक्स बार निकाल लेते तो 528 upon 16 क्या आ रहा है सच में, तो देखिए 16 3 48 48 और ये आ गया 48 to 33 आ रहा है बिल्कुल इट इज वेरीफाइड, ओके ठीक है।
ठीक है, फिर हम क्या फॉर्मूला लगा सकते हैं, फिर इसके बाद इसीलिए हमें फॉर्मूला लगाने के क्या निकाला है, वेरियंस। तो वेरियंस इज इक्वल टू 1/n समीशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू 1/n, क्या हो गया n आपका 16, ठीक है, इनटू 9158, तो ये 16 से डिवाइड करो तो 16, तो 16 के टेबल में 16 5 जा 80 होता है, ठीक है, तो ये 5 जा 80 हो गया, ठीक है, पहली बात तो 80, तो ये 11 बचा 115, तो वेर 80 का 96 के बाद 7 है ना, 7 का कुछ होगा, ठीक है, 57, अरे यार दो तीन ऑप्शन में 57, ठीक है, फिर आप डिवाइड करके आंसर आप निकाल लोगे, ठीक है, चलिए, तो आशा है आप आंसर निकाल लोगे, ठीक है, #DIY डू इट योरसेल्फ या DB जो भी आपको देना है, ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ये ध्यान देना ये सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डेविएशन है, ठीक है, इसलिए हमने ऐसे लिखा है, क्लियर, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डेविएशन, वापस बोलना चाहूंगा, इसलिए मैंने ऐसे लिखा है, ठीक है, चलिए नोट कीजिए 1, 2 एंड 3। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, ठीक है, हो गया नोट, ठीक, क्लियर, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, अरे वेरिएबिलिटी, हाईएस्ट वेरिएबिलिटी, अब देखो पिछले इसमें हमने यूनिफॉर्मिटी चेक की थी, इसमें वेरिएबिलिटी चेक करनी है, ठीक है, तो एसडी वगैरह मीन दिया गया है, तो मैं क्या करता हूँ डायरेक्टली सीवी का कॉलम निकालता हूँ, किसका, सीवी का, क्योंकि बाकी का निकाला हुआ है ना, तो यही कॉलम यूज करके मैं सीवी का कॉलम निकालूंगा, ठीक है, तो सीवी का कॉलम, ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ एंड बायो, या बायो लिखता हूँ, मैथ तो कुछ छोटा ही है, कैम पीएच में फिजिक्स, ठीक है, तो क्या हो जाएगा सर, फॉर्मूला याद है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबिलिटी या वेरिएशन क्या होता है, एसडी अपॉन मीन इनटू 100, ठीक है, चलिए बच्चों मैंने ऑब्जर्व किया है, पूरा नहीं लेक्चर नहीं देखते ये सारे पी वाई उसका, भाई देखो मैं व्यूज के लिए बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है, मेरा बोलना ये है कि आप पूरा लेक्चर देख के पी वाई क्यू से समझा करो कुछ ना कुछ, ठीक है, क्योंकि इतने पी वाई क्यूज कोई नहीं करा रहा है यूट्यूब पे, सीटी के तो बैटलीस्ट, ठीक है, हाँ वो मैराथन करा देंगे, वो सब करा देंगे, वो दिक्कत नहीं, ठीक है, लेकिन क्या होता है ना मैराथन में बहुत आप देखते होंगे कि पूरा पढ़ाते नहीं हो, बाकी की भी बातें होती है, तो अगर आपका सिलेक्शन ये मोटिव है तो आपको पढ़ना पड़ेगा, बाकी की चीजें होती रहेंगी लाइफ में, ठीक है, बोर होती है पढ़ाई मैं मानता हूँ, ठीक है, उससे आपको कुछ बीच में चाहिए बाकी का कुछ बोलना ये वो ऐसा वैसा, लेकिन वो फायदा नहीं उससे, ठीक है, वो यूजलेस चीज है, ठीक है, पढ़ाई पूरा टाइम इसमें देना चाहिए आपको, अभी वैसे भी कम दिन बचे, जिनकी 11 के बाद एग्जाम उनका तो बहुत ही अच्छा, लेकिन जिनकी 2 तारीख से उनके लिए दिक्कत है, ठीक है, चलो फिजिक्स के लिए क्या देखें, एस डी तो 3 × 300, तो आपको पूरा देखना चाहिए, ऐसा मैं बोल रहा हूँ लेक्चर, ये मेरे आपको एक रिकमेंडेशन है, ठीक है, एज अ फ्रेंड समझ लो आप, बाकी कोई आपकी इच्छा, ठीक है, बाकी कोई नहीं भाई, बाकी तो आप अपनी मर्जी से मान लो, ठीक है, चलिए ठीक है सर, चलिए तो हम नहीं सुनेंगे, ठीक है, मत सुनेंगे, तो यहाँ 300 ये 0 0 कट गया, ये आ गया भाई 15, ठीक है, ये यही जा रहा है, ठीक है, केमिस्ट्री क्या हो रहा है 25, तो ये 2500 अपॉन मीन कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, ठीक है, मीन 2500 अपॉन 2 है ना, बराबर, नहीं उल्टा कर दिया मैंने, 200 अपॉन 25 चाहिए, ठीक है, 3 से वो 200 अपॉन 25, ठीक है, उल्टा है, ठीक है, 8 आ गया, 8 मिनट, 8 लिख देते हैं, ठीक है, 8, मैथ मैथ में देखो कितना है, 400 अपॉन 23, अब 400 अपॉन 23 चलो 25 से कर लेते यार, बड़ा ही आने वाला है, 20 से करोगे तो आसपास मेरे 20 और ये तो 20 आएगा, ठीक है, 20 से 20 आएगा, 23 से आसपास 17 के आसपास कुछ आएगा ना, तो 17 पॉइंट ऐसा इतना करना नहीं है जीटी में, ठीक है, फिर ये 500 अपॉन 27, अरे भाई अब ये 25 से कितने पे कटेगा, ये 25 से 20 पे कटेगा, मतलब 27 पे आसपास 18 19, चलो 18 लेंगे, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि सबसे ज़्यादा वेरिएबिलिटी किसकी है फिर सर, यार इन दोनों में तो है भाई केमिस्ट्री फिजिक्स बायो, तो मेरे हिसाब से बायो में ही है, ठीक है, क्योंकि बायो ही बड़ा दिख रहा है, ठीक है, तो बायो ही आंसर, एक बार आप अच्छे से चेक करना क्या आता है, पॉइंट में भी फर्क आ सकता है, मैंने तो अंदाज से लिखा है, ठीक है, चलो तो बायो ही है, मुझे ये पता है गारंटी है, ठीक है, इस बात का, क्योंकि कैलकुलेशन के बाद ये मुझे कुछ सोच लिया था, मतलब उससे लग रहा है कि ये आ रहा है, ठीक है, चलिए नोट कीजिए 1, 2 एंड 3 हो गया, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते, तो नोट कर लिया बच्चों, ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखिए अगला क्वेश्चन कुछ बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है, आपको ध्यान से देखना है इसमें, देखो द वेरिएंस ऑफ द डेटा 2, 4, 5, 6, 8, 17 इज 23.33, ठीक है, चलिए द वेरिएंस ऑफ 4, 6, 10, 12, 16, 34 विल बी,
ठीक है देखो पहले क्या बोला गया है कि एक डेटा दिया आपको 2, 4, 6, 5, 8, 17 इसका वेरियंस अगर ये तो इसका वेरियंस बताओ क्या है। ठीक है देखो ये सारे नंबर इसके डबल अगर आप ध्यान दे रहे हो तो ठीक है ध्यान से देखो ये वेरियंस इसका 2 है तो इसका 4 है, इसका 4 है तो इसका 8 है, इसका 5 है तो इसका 10 है, 6, 12, 16, 17 डबल डबल ठीक है डबल तो 23.66 ठीक है। यहाँ कहीं आपको 46.66 नहीं दिख रहा ध्यान से देखना ठीक। चलिए सर तो अब वेरियंस जो है उसमें आपको कुछ ना कुछ रिलेशन निकालना पड़ेगा जिससे कि आप यहाँ का आंसर दे पाओ ठीक है। एक बार जरा रिलेशन सोचने की कोशिश करना थ्रू फॉर्मूला ठीक है। 10 सेकंड सोचो मैं आंसर बता रहा हूँ ठीक है। 1, 2, 3 तो मैं करने जा रहा हूँ बच्चा ठीक है। देखिए अब यहाँ अगर आप इस 4, 8, 10, 12, 16 और 34 को लिखना चाहो इस केस में तो देखो इसे मैं क्या ऐसे लिख सकता हूँ 2 into 2 यहाँ मैं लिख सकता हूँ 2 into 4 यहाँ मैं लिख सकता हूँ 2 into 5 यहाँ मैं लिख सकता हूँ 2 into 6 यहाँ मैं लिख सकता हूँ 2 into 8 और यहाँ मैं लिख सकता हूँ 2 into 17 ठीक है। ये सिंपल बात हो गई ठीक है सर। अब अगर आगे ध्यान से देखोगे ठीक है तो आगे यहाँ ये कॉमन मल्टीपल देखो 2 कॉमन है ठीक है। अगर ऐसी केस होती है ठीक है इस केस में तो यहाँ एक फॉर्मूला यूज करना है अगर AX1, AX2, AX3, AX4 ठीक है AX5 ठीक है और AXN ऐसा कुछ होता है ठीक है लंबा चले जाते हैं AXN तक ठीक है यहाँ तक अगर गए ठीक है इस तरीके से तो यहाँ इस केस में क्या होता है अगर आपको पहले से वेरिएंस दिया है किसी का मतलब इस x1 x2 का ठीक है अगर x1 x2 x3 ऐसे xn तक अगर वेरिएंस आपको दिया है ठीक है x ठीक है ऐसे कुछ दिया है तो यहाँ क्या कर लोगे आप ठीक है यहाँ वेरिएंस दिया है सब कुछ भी दिया ठीक है वो मैंने x लिया ऐसे या नहीं लेता हूँ ठीक है वेरिएंस आपको कुछ गिवन है ठीक है कुछ भी गिवन है तो आप क्या कर दोगे ध्यान से देखना ए और यहाँ ए आपका क्या है ए का स्क्वायर ठीक है इनटू वेरिएंस उसका वेरिएंस जो भी उसका होगा ठीक है वो इसका वेरिएंस हो जाएगा ठीक है इसका वेरिएंस क्या हो जाएगा ए इनटू इसका वेरिएंस ये वाला ठीक है बहुत ही आराम से क्लियर। तो यहाँ इसका वेरिएंस अगर निकालना है तो आप क्या करोगे 2 स्क्वायर इनटू इसका वेरिएंस क्या है 23.33 ठीक है तो यहाँ 4 into 23.33 आप कर लोगे। चलिए कर दो सर इतना ठीक है देखो ये तो हो गया 2, 1, 12, 15, 5, 1 है ना क्योंकि ये 12, 2, 1 आ गया ऊपर ठीक है फिर ये 1 तो ये हो गया आपका 12, 12 और 1 ही आ गया ना तो 13 हो गया 3 ठीक है तो 2, 3 ये ऑप्शन ये ठीक है आगे करना है भी 93 आएगा ये गारंटी है ठीक है क्योंकि 32 आ गया ना पीछे ठीक। चलिए नोट कर लो 1, 2 and 3 तो कर लिया बच्चों नोट ठीक है। चलिए अब चलते अगले क्वेश्चन की ओर ठीक है। देखिए अब ये क्वेश्चन देखिए द मीन ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन इज 4 एंड देयर वेरिएंस इज 5.2 इफ 3 ऑफ दिस ऑब्जर्वेशंस आर 1, 2, 6 देन द अदर 2 आर ठीक है मतलब कोई 5 ऑब्जर्वेशंस है उनका जो मीन है ठीक है वो 4 दिया गया है देयर वेरिएंस इज 5.2 ठीक है और ये ऑब्जर्वेशन है 1, 2, 3 तो यहाँ 1, 2 और 6 तो यहाँ आपको अदर बाकी के 2 निकालने ठीक है। चलिए तो एन तो आपको पता है यहाँ 5 है घर का ऑब्जर्वेशन ठीक है फिर मीन ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन यानी एक्स बार 4 है ठीक है फिर बोला गया है 3 ऑब्जर्वेशन तो ऑब्जर्वेशन क्या है यहाँ 1, 2, 6, a, b आर द 3 ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्वेशन या लिख देते ऑब्जर्वेशन ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे हो गया ये बात ठीक है अब आगे यहाँ तक बात क्लियर होगी ठीक है सर। अब देन द अदर 2 आर ठीक अब देखो यहाँ सबसे पहले क्या दिया गया ठीक द मीन ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड देयर वेरिएंस अरे वेरिएंस निकालने में ना वेरिएंस उसका 5.2 है ठीक है तो वेरिएंस के सारे कुछ हो जाएगा मेरे हिसाब से वेरिएंस देखो वेरिएंस इज इक्वल टू 1/n समीशन ऑफ एक मिनट समीशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर ऐसा लिख सकते हो आप आराम से ठीक है सर। तो यहाँ एक्स बार में पता है एक्स आई हमें नहीं पता है ना चलिए एक काम कर सकते देखो इसके लिए भी कुछ जुगाड़ है क्या जुगाड़ है इसके लिए देखो ध्यान से देखना यहाँ क्या कर सकते हो
एक्स आई माइनस एक्स बार, ठीक है। तो इसके लिए आप अब आराम से देखो, यहाँ एक्स आई, एक्स आई क्या है आपका यहाँ, ये फोर वन माइनस फोर, माइनस थ्री हो जाएगा ना वो स्क्वायर, तो यहाँ हाँ ठीक है। तो फोर माइनस, तो यहाँ देखिए वन माइनस फोर क्या हो रहा है, थ्री, तो थ्री का स्क्वायर, ये एक्स आई है ना, तो थ्री का स्क्वायर हो रहा है नाइन, ठीक है। फिर यहाँ टू, तो टू माइनस फोर, तो टू का स्क्वायर, तो ये हो गया आपका प्लस फोर, ठीक है, क्योंकि समीशन ही करना है। फिर ये सिक्स माइनस फोर, तो ये भी टू का स्क्वायर फोर, ये ए और ये माइनस बी, तो प्लस ए माइनस फोर और प्लस बी माइनस फोर, ठीक है, बी माइनस फोर बिल्कुल ठीक है। और ये आपका आ रहा है पूरा स्क्वायर वेयर करने के बाद, क्योंकि हर एक का हमने एडिशन किया, ठीक है, तब ये आया है। देखो पहले मैंने हर एक का किया सॉल्व, ठीक है, ये स्क्वायर पूरे का नहीं है, तो समझो कि ये समीशन का स्क्वायर एक्चुअली, ठीक है, तो ये सम, ठीक है, और फिर हर एक का स्क्वायर, जैसे एक्स आई माइनस एक्स, फिर इसका स्क्वायर निकाला, फिर अलग अलग स्क्वायर निकाल के फिर ऐड किया। आप अगर सोच रहे कि इन सबको ऐड करो फिर स्क्वायर, वो नहीं है, ये हमने ब्लॉक में अगर बनाते तो हम क्या करते, पहले वन माइनस फोर करते फिर उसका स्क्वायर, तो इसलिए नहीं, फिर टू माइनस फोर करते फिर उसका स्क्वायर, ठीक है, ऐसे करते करते, क्लियर, समझ गए, तो इसका भी स्क्वायर देना पड़ेगा, ठीक है। चलिए सर, यहाँ तक बात क्लियर होगी बात, ठीक है। अब आगे सोचिए, ठीक है, अब ए और बी इसके सहारे हमें निकालना है, ठीक है, तो ये तो हमें पता चल गया, ये यहाँ लिख सकते हैं, तो एन की वैल्यू क्या है, वन बाय एन यानी वन बाय फाइव, और ये फाइव पॉइंट टू, ठीक है, फाइव पॉइंट टू है ना। अब आगे ये लिख देंगे हम, तो क्या आ जाएगा, नाइन प्लस फोर प्लस फोर, तो ये हो रहा है भाई थर्टीन, सेवनटीन, और ये सेवनटीन है ना, सेवनटीन हो रहा है ना, बिल्कुल, क्योंकि एट है, प्लस ए माइनस फोर का स्क्वायर, तो पहले इसे खोल दो, खोल देंगे, ये बिना खोले हो जाएगा, एक मिनट जरा चेक कर लेते, वैल्यू डाल देंगे यार, खोलना मत, ठीक है, ए माइनस फोर का स्क्वायर, बी की वैल्यू बनाऊंगा मैं एक अमाउंट में, बी माइनस फोर का स्क्वायर, ठीक है, ऐसे रहने से। अब पहले तो वैल्यू बना लेते हैं ना, एक मिनट, पहले वैल्यू बना लेते हैं, तो वैल्यू कैसे बना सकते, देखो यहाँ वैल्यू अगर बनाना चाहोगे तो x बार क्या हो जाएगा, एक मिनट, x बार इज इक्वल टू वन प्लस टू प्लस सिक्स प्लस ए प्लस बी अपॉन n, n कितना है आपका पांच, ठीक है, और मीन आपको दिया हुआ है चार, तो इसका मीनिंग चार, तो फोर फाइव का ट्वेंटी, ट्वेंटी ये हो गया आपका नाइन, तो ये माइनस नाइन, इधर आके माइनस नाइन इज इक्वल टू ए प्लस बी, देयरफॉर बी इज इक्वल टू इलेवन माइनस ए, इलेवन माइनस ए, ये आपका बी का वैल्यू आ गया, ठीक है, जो कि यहाँ पुट करोगे, ठीक है। तो यहाँ देखो फाइव पॉइंट टू, क्वेश्चन लंबा है, सोचना पड़ेगा इसमें, अच्छे से सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है, कोई इजी क्वेश्चन नहीं है ये, बहुत कैलकुलेटिव है। सेवनटीन प्लस ए माइनस फोर, तो a माइनस फोर, तो यहाँ खोल लो इसे, क्योंकि अब ए स्क्वायर माइनस एट ए प्लस सिक्सटीन प्लस प्लस सिक्सटीन, और यहाँ b, b क्या हो जाएगा एलेवन माइनस ए, ध्यान दो इलेवन माइनस ए माइनस फोर का स्क्वायर, ठीक है, अभी इसे अगले इसमें सुन लेंगे, ठीक है, ये इधर चले गया तो क्या हो गया फाइव इंटू फिफ्टी टू, फाइव होता है ट्वेंटी, और एक दो सौ पचास और दो सौ साठ हो गया मेरे हिसाब से, तो ट्वेंटी सिक्स आ गया, दो सौ साठ पॉइंट आ गया ना, तो ट्वेंटी सिक्स पॉइंट जीरो नहीं लिख सकते, ठीक है, तो ये हो गया। अब यहाँ ये माइनस सेवनटीन इधर भाग जाएगा, ठीक है, और ये माइनस सेवनटीन और प्लस सेवनटीन और सिक्सटीन, ये कितना हो रहा है, ये दोनों का मिला के थर्टी फोर थर्टी फाइव आ रहा है मेरे हिसाब से, है ना, बिल्कुल है ना, थर्टी फाइव आ रहा है, हाँ बराबर थर्टी फाइव, थर्टी फोर होता है थर्टी फाइव, तो थर्टी टू थर्टी फोर आ रहा है, थर्टी फोर थर्टी थ्री, ठीक है, थर्टी थ्री, एक बार तक चेक कर लिया करो, ठीक है, क्योंकि देखो ये थ्री और वो, ठीक है, थर्टी थ्री सही है, इज इक्वल टू यहाँ ए स्क्वायर, ठीक है, माइनस एट ए, फिर यहाँ प्लस वन ट्वेंटी वन, ठीक है, सॉरी यहाँ तो सॉल्व करना पड़ेगा, तो यह आएगा सेवन माइनस ए का फुल ब्रैकेट का स्क्वायर, है ना, क्योंकि एलेवन माइनस फोर सेवन है, तो यहाँ ये यह आपका आ रहा है माइनस का थर्टी थ्री हो गया, तो यहाँ बचा चार सात, ए स्क्वायर माइनस एट ए प्लस फोर्टी नाइन माइनस फोर्टीन ए प्लस ए स्क्वायर, है ना। चलिए अब यहाँ ए स्क्वायर ऐसे कैसा माइनस और ये माइनस, तो हो गया ये ट्वेंटी टू ए, है ना, एट और फोर्टी ट्वेंटी टू हो गया एडिशन करने के बाद, ये उधर चले गया तो हो गया आपका ये टू ए स्क्वायर, ए प्लस ए टू ए स्क्वायर, ठीक है,
फिर ये प्लस हो गया तो प्लस 56 ठीक है इज इक्वल टू 0 ठीक है बिल्कुल ये हो गया 22 ये प्लस 56 ठीक है दो से डिवाइड कर दो तो ए स्क्वायर माइनस 11 ए प्लस ये हो गया 28 इज इक्वल टू 0 ठीक है तो ए स्क्वायर माइनस 28 तो यहाँ कितने हो गया 28 7 4 जा तो ए माइनस 7 और ए माइनस 4 ये हो गया आपका ठीक 7 4 28 ये 0 तो ए आ गया 7 या तो ए आ गया आपका 4 ठीक है ये फैक्टराइजेशन है अगर ए 7 है तो जब ए 7 है ठीक है जब ए 7 है तब आपका बी क्या है तब आपका बी देखो 11 में से जाएगा ना 11 यहाँ लिखा था ना मैंने कि हाँ तो 4 आएगा ठीक है और जब आपका ए 4 है तो बी आपका 7 है ठीक है तो 4,7 या 7,4 हाँ ये 4 and 7 ठीक है तो ऐसे आपके ऑप्शन इसमें से आपको मार्क करने ठीक है नोट कीजिए 1, 2 and 3 तो नोट कर लिया बच्चों ये क्वेश्चन कैसा लगा आसान था ना ठीक है चलिए अब अगला देखिए ये क्वेश्चन अरे ये क्वेश्चन कहाँ है ठीक है देखते हैं 2 डेटा एक मिनट देखो ना अगला क्वेश्चन एक बार जाना चेक करते हैं हाँ ये मैं ढूंढ रहा था कि उसके जैसा एक क्वेश्चन मैंने लिया ठीक फॉर 2 डेटा सेट्स ईच ऑफ साइज 5 द वेरियंस गिवन टू बी 4 and 5 ठीक है and the corresponding means are given to be 2 and 4 then the variance of the combined data set is एक बार जरा इसको try करना फिर अगर आ गया तो अच्छी बात है बहुत easy question है एक बार जरा try करो pause करके 1, 2 and 3 तो try करिए बच्चों चलिए मैं करके देता हूँ बहुत आसान question है देखो सबसे पहले क्या बोला गया if 2 data each of size 5 ठीक है set sorry 2 data sets of each of size 5 मतलब n दोनों के लिए 5 होने वाला है ये तो सिंपल बात है ठीक है n1 n2 दोनों 5 ठीक है सिंपल से n1 n2 दोनों के लिए क्लियर है पहला सेट है दूसरा सेट वेरिएंस ऑफ द गिवन सॉरी वेरिएंस आर गिवन टू बी 4 एंड 5 ठीक है जल्दी से मैं बोल देता हूं कि वेरिएंस ऑफ 1 या ऐसे सिग्मा का स्क्वायर भी कर सकते मैं तो ऐसे लिखता हूं क्योंकि इससे फैमिलियर हूं मैं और यह वेरिएंस ऑफ 2 5 ठीक है चलिए ये आ गया अब देखो करस्पॉन्डिंग मीन्स है मतलब x1 bar इज इक्वल टू 2 एंड x2 bar इज इक्वल टू 4 ठीक है चलिए इसके सारे क्या निकाल सकते हैं वेरिएंस बहुत कुछ बता रहा है चिल्ला के बहुत कुछ बता रहा है वो देखो सुनो कंबाइन कंबाइन लास्ट करेंगे पहले देखना तो पड़ेगा क्या हो रहा है क्या नहीं ठीक है हमें वेरिएंस कंबाइन वेरिएंस पूछा ठीक है तो इनको ऐड करके मत कर देना डायरेक्ट वैसे ही होता है प्रोसेस फॉलो करनी है पूरी ठीक है चलिए सबसे पहले देखो जो मैं प्रोसेस बता रहा हूँ वो देखो वेरियंस ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 बाय n समीशन ऑफ x 1 का यह हो गया x xi 1 है ना हाँ चलिए xi ऑफ 1 माइनस x का स्क्वायर ठीक है ये ऐसे कर सकते हैं ठीक है सर बिल्कुल क्लियर x बार का स्क्वायर यहाँ का क्लियर हो गया ठीक अब देखिए यहाँ वेरियंस ऑफ 1 कितना दिया है भाई ये है 4 ठीक है 4 और ये n हो गया आपका 5 तो ये 4 और ये 1/5 ठीक है इज इक्वल टू समेशन ऑफ xi का स्क्वायर माइनस x बार क्या है 2 का स्क्वायर 4 ठीक है तो ये 4 आ गया ठीक है चलिए तो ये 4 इधर से एक मिनट हाँ ये ब्रैकेट नहीं चाहिए ना ये क्यों देख दिया मैंने ब्रैकेट हटाओ देश बचाओ ठीक है क्वेश्चन बचाओ सॉरी ये यहाँ से आ गया 8 तो 8 और ये 5 तो 40 हो गया ना मेरे हिसाब से ये इधर 5 ठीक है ये ब्रैकेट मत देना गलती से भी मत देना हो गया मुझसे ये इंटू 5 तो 8 इंटू 5 इज इक्वल टू समीशन ऑफ एक्स आई का स्क्वायर ठीक है याद रखो समीशन ऑफ एक्स आई का स्क्वायर इज इक्वल टू 40 ठीक है सर चलिए यहाँ तो अब ये 40 आ गया सर आपका 1 के लिए किसके लिए 1 के लिए एक्स आई 1 चाहो तो दे दो यहाँ ठीक है अब एक्स आई 2 भी निकाल लो हाथों ठीक है तो इसके लिए भी वेरिएंस ऑफ 2 ठीक है इज इक्वल टू 1/n एक्स आई स्क्वायर समीशन ऑफ एक्स आई 2 का स्क्वायर माइनस एक्स 2 बार का स्क्वायर ठीक है चलिए अब इसे सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा सिंपल मैं कर देता हूँ ये 5 आ गया ठीक है ये 4 आने वाला है 4 का स्क्वायर 16 तो ये 5 माइनस 16 हो जाएगा ना क्योंकि यहाँ 5 और यहाँ
-16 तो वो 5 में ऐड होगा तो मेरे हिसाब से 21 आ जाएगा, है ना। और ये 5 मल्टीप्लाई करेगा तो 21 इंटू 5 हो जाएगा 105। ठीक है, ये तो आ गया आपका समीशन ऑफ एक्स आई टू का स्क्वायर आ गया 105। ठीक है, ये 105 आ गया। ठीक है, 105 आ रहा है, क्लियर। तो ये अगर 105 आ रहा है तो आगे सॉल्व कर लो। ठीक है, आगे अगर आप देखोगे इतना, ठीक है, तो ये 40 और ये, ठीक है। अब चलिए आगे सॉल्व कर लेते हैं, कुछ ज़्यादा हार्ड भी बचा क्वेश्चन, एक्स्ट्रा आ गया। हाँ ठीक है, देखिए अब सॉल्व कर लो तो अब आपको पहले तो मीन निकालना पड़ेगा कंबाइन, तो कंबाइन मीन हो जाएगा एक्स बार प्लस वाई, मैंने एक्स वन बार बोला ना, एक्स वाई बोल दिया था मैंने, ज़्यादा बेटर होगा, छोड़ो। ठीक है, अपॉन टू, तो कंबाइंड मीन 2 और 4 और या 6 हो तो 3, कंबाइंड मीन तो 6 आ गया। ठीक है, ये कंबाइंड मीन है। ठीक है, और क्या चाहिए हमें वेरिएंस निकालने के लिए, ये मिल गए। ठीक है, कंबाइंड वेरिएंस क्या हो जाएगा, वेरिएंस कंबाइंड वाला क्या बोला है, कंबाइंड वेरिएंस। ठीक है, तो क्या होता है 1/9, क्योंकि दोनों को मिला के एन, तो इनका एन वन प्लस एन टू हो जाएगा, एन वन प्लस एन टू यहाँ हो जाएगा समीशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर प्लस एक्स आई वन का स्क्वायर समीशन ऑफ एक्स आई टू का स्क्वायर प्लस, सॉरी माइनस हो जाएगा ना, माइनस, हाँ माइनस एक्स थ्री। ठीक है, क्योंकि एक्स थ्री बोला है मैंने इसे, इसलिए। ठीक है, तो यह एक्स थ्री बार, ठीक है, वो शूट नहीं हुआ था एक्स थ्री जब मैंने बोला, थोड़ा कैमरा में इशू हो गया था, या देखो यहाँ टाइम वो इशू दे रहा है आजकल, चलो चेंज कर दिया उसे जल्दी से। 40 + 105 = 145 मेरे हिसाब से, है ना, 145, और यहाँ माइनस, सही है ना। ठीक है, और ये हो रहा है 3, है ना, 3 का स्क्वायर, यहाँ भी स्क्वायर होता है, 3 का स्क्वायर 9। ठीक है, क्योंकि उसका भी स्क्वायर होता है ना भाई। ठीक है, अब देखो आप सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, ये तो 14.5 - 9 यानी 5.5, और 5.5 यानी 11.2, ऑप्शन सी है। ठीक है, चलिए देखो बहुत ही आराम से बैठ गया, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था। ठीक है, चलिए नोट कीजिए 1, 2 एंड 3। तो चलिए बच्चों नोट कर लिया है क्वेश्चन। ठीक है, अब देखिए यहाँ अब हम ये क्वेश्चन है ना, ये आपको खुद से करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन आप कर लोगे क्योंकि इसके पहले मैंने आपको क्वेश्चन कराया था a+b वाला। ठीक है, ये सेम टू सेम इस तरीके का है। ठीक है, अगर इसमें फैक्टर नहीं गिरे, क्योंकि इसमें बड़े फैक्टर आने के चांसेस हैं, क्योंकि ऐसे 49/x4 वगैरह वेरियंस, तो काम करना इसमें आपको फॉर्मूला मेथड लगाना। ठीक है, फिर क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके लिए मेरे तरफ से एक DIY वाला क्वेश्चन है, डू इट बाय योरसेल्फ। ठीक है, आगे चलिए, आगे चले। ठीक है, अब यहाँ तो हो गया हमारा पूरा कंप्लीट, तो यहाँ खत्म हो गया। ठीक है, तो 2020 बन के हमने कवर कर दिया बच्चा, तो पढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे, मिलते हैं अगले लेक्चर में 2022-23 के क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे। जय हिंद, जय भारत।